हृदय रोग से डरने की जरूरत नहीं, जागरूक रहने की है जरूरत। डॉक्टर रविशंकर डालमिया। लॉयंस क्लब शिवपुरी सेंट्रल के निशुल्क हृदय रोग शिविर में 200 से अधिक मरीज हुए लाभान्वित। हृदय रोग अब कोई नया रोग नहीं है, क्योंकि ये रोग पहले जहां वृद्ध जनों में होता था, तो वहीं अब नव युवा पीढ़ी भी इस रोग से ग्रसित होने लगी है। हालांकि इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मनुष्य है, जो बिना किसी शारीरिक मेहनत, कसरत और अपनी अकर्मण्य जीवन शैली को अपनाकर हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों को आमंत्रण देता है। कुछ हद तक तो खान पान भी हृदय रोग को बढ़ावा दिया है। इसमें अधिकांश मिलावटी सामग्री खाने से इस रोग के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। साथ ही इस रोग से अब डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जागरूक और सजग रहने की जरूरत है। इसलिए आवश्यक है कि नियमित रूप से घूमें, रनिंग करें, कसरत करें। यदि ऐसा कुछ करेंगे तो हृदय रोग जैसे गंभीर रोग से बचा जा सकेगा। ये उद्गार व्यक्त किए डॉक्टर रविशंकर डालमिया ने, जो स्थानीय होटल सोन चरैया में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से आमजन को हृदय रोग से डरने की नहीं बल्कि जागरूक रहने की बात पर जोर दे रहे थे। डॉक्टर डालमिया शिवपुरी जिला मुख्यालय के कम्युनिटी हॉल में समाज सेवी संस्था लॉयंस क्लब शिवपुरी सेंट्रल व रतन ज्योति डालमिया हार्ट इंस्टीट्यूट संस्था के द्वारा आयोजित निःशुल्क हृदय रोग परीक्षण और उपचार शिविर में शामिल होने शिवपुरी आए थे। इस अवसर पर यहाँ निःशुल्क हृदय रोग परीक्षण व उपचार शिविर में 200 से अधिक मरीजों ने लाभ प्राप्त किया। ये कार्यक्रम हृदय रोगियों के परीक्षण के लिए रखा गया है, जहां पर कि निःशुल्क जांच और आगे के उपचार के लिए भी उन्हें परामर्श दिया जा रहा है, जिसमें कि अंचल के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ रविशंकर डालमिया जी आज सभी मरीजों का परीक्षण कर रहे हैं। और परीक्षण उपरांत यहाँ पर फ्री ECG, फ्री ब्लड प्रेशर की नाप और उनको शुगर की जांच, ये सारी चीज़ें फ्री प्रोवाइड कराई जा रही हैं मरीजों को। और उसके आगे के लिए भी इलाज के लिए अगर जिन मरीजों को आवश्यकता होगी तो उनको रविशंकर डालमिया इंस्टीट्यूट ग्वालियर में आगे भी सारे ऑपरेशन से लेकर सारी चीज़ों की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी डॉक्टर साहब के परामर्श पर।